विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निरान्तरतः पश्यन्नात्मन मायया बहिर्भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव त्वे तस्मै श्री गुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्ते परिवीतपीतवसनं घनोपमः शतपत्रपत्रसदृशा प्रतीक्षा धृतवेण रेणुपरिमण्डितं गवां हृदिनोऽस्तु वैदिक धर्म की रीति है कि गर्भाधान के दिन से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत और उसके बाद भी धर्म संस्कार किए जाते हैं। उपनिषदों का कहना है कि जब रोग आता है तो वो भी एक तप है, उसको सहना चाहिए। फिर कल्पना ऐसी होती है कि लोग श्मशान में ले जा रहे हैं, बोले मेरा वनगमन हो रहा है, और जब अग्नि में जलाते हैं अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, अंत्य इष्टि है, इष्टि माने यज्ञ, अपने शरीर का हवन किया जाता है। इस प्रकार वैदिक धर्म के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार भी एक संस्कार है और वो यज्ञ रूप है। ऐसा अपने समग्र जीवन को धर्म के रूप में बना देना, ये वैदिक संस्कार की विशेषता है। आज प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि क्रिया है।
ये बहुत बड़ी आहुति है देश की ओर से। इससे भी धर्म संपन्न होता है, अंतकरण शुद्धि होती है, भगवत प्रसाद होता है। इसलिए इसके उपलक्ष्य में आज हम सब लोग खड़े होकर एक मिनट का मौन, मन का मौन या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि जिससे विश्व मानवता का मंगल हो, राष्ट्र का हित हो, लोगों के मन में सद्भाव और शांति का उदय हो। ऐसा संकल्प करके एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं और मौन रहें। अद्भुत प्रक्रिया है सृष्टि की कि बड़े से बड़ा आघात पाकर भी क्रम चलता रहता है। शायद प्रभु की इच्छा क्रम चलाते रहने की ही है। और संकट के क्षणों में वो हमारी परीक्षा भी लेता है कि हम कितने धैर्य के साथ सही क्रम चला सकते हैं। हम लोगों का गीता ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, उसके प्रश्न क्रम में आज जो प्रश्न है वो मैं पूज्य गुरु जी के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। गेय के रूप में ब्रह्म का जो निरूपण है, वह सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों का ही मालूम होता है और परस्पर विरोधी गुणों से भरा है। इस वर्णन में संगति किस प्रकार बैठाएं? परमात्मा में दृष्टि भेद के कारण भेद जान पड़ते हैं। कोई किसी कोण से देखता है, कोई किसी कोण से। हमने चित्र लेते देखे हैं, ऊपर से लेते हैं अब तो आदमी नाटा हो जाता है, छोटा। नीचे से लेते हैं तो लंबा हो जाता है। दाहिनी ओर से लेते हैं तो दूसरा, बाईं ओर से लेते हैं दूसरा। ये मनुष्य में भेद नहीं होता है, जो चित्र लिया जाता है उस कैमरे के कोण में भेद होता है। लिखनी क्या है, उनको तो याद ही होगा
जाकी सभी लिखन बैठी सभी गहि गहि गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। बहुत बड़े बड़े चित्रकार अभिमान लेकर बैठे कि हम उसका चित्र बनावेंगे, तस्वीर बनावेंगे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सब अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार चित्र बना बना के रह गए। तो जो अज्ञानांधकार में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें जड़ता ही दिखती है, ईश्वर नहीं दिखता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको जड़ता और चेतनता दोनों मिली हुई दिखती है, किसी किसी को केवल चेतन का ही अनुभव होता है। तो तत्वज्ञानी की दृष्टि से जो निर्गुण निराकार अद्वितीय अपना आत्मा है, अज्ञानी की दृष्टि से वही विराट जड़ है और जिज्ञासु की दृष्टि से वही जड़ता चेतनता दोनों के मूल में है। तो इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। तत्वज्ञ की दृष्टि से दूसरा कोई है ही नहीं, अपना आत्मा ही परमात्मा है। जिज्ञासु की दृष्टि से वो अनुसंधान करने योग्य है परंतु अदृश्य है। भक्त की दृष्टि से भी दर्शन करने योग्य है, दर्शन होता भी है। और जो संसार की जड़ता में ही फंसे हुए हैं उनके लिए नहीं है, और है भी तो जड़ है। इसलिए ईश्वर वही है जिसको लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, और वो सब में रह कर के भी सबसे निराला होता है। गीता में बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। सबाज्याभ्यंतरो यजा, कठोपनिषद में ऐसा कहा हुआ है। अचरम चरमेव च, वही पृथ्वी पर्वत पत्थर ये सब अचर के रूप में है, और वही चर पेड़ पौधे उद्भिद ऊपर को चलते हैं, वही स्वेदज जुएं खटमल के रूप में है, वही अंडज पक्षियों के रूप में है, वही जरायुज द्विपाद और चतुष्पाद के रूप में है, और जो कुछ सुने हुए हैं शास्त्रों में देवता दानव, जो कुछ भूत भविष्य जाना जाता है, सब परमात्मा का स्वरूप है। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम्, इतना सूक्ष्म है कि उसको हम यंत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन की कल्पनाओं के द्वारा, बुद्धि के विचारों के द्वारा अथवा अभ्यास जन्य स्थितियों के द्वारा उसको विज्ञेय नहीं बना सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम वितत्, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अक्षरात् परतः परः, सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे है। तो नारायण, इसलिए जो दूर देखता है उसके लिए दूर है,
ये आपकी दृष्टि है कि परमात्मा दूर है। जो निकट देखता है उसके लिए निकट है, ये आपकी दृष्टि है कि वो निकट है। दूर और निकट ये तो देश में होता है, काल में होता है, और देश और काल परमात्मा का स्पर्श नहीं करते। इसी से स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को इस ढंग से वर्णन करते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत, ये सारी दुनिया सारा जगत एक वस्त्र है, तो मैं उसमें सूत हूँ, सबका उपादान मैं हूँ। फिर बोलते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, जैसे वस्त्र में विन्यस्त चित्र सब के सब सूत्र में ही होते हैं। फिर बोलते हैं नच मत्स्थानि भूतानि, मुझ में दूसरे कोई भूत दूसरे कोई पदार्थ तो है ही नहीं। स्वयं इस ढंग से अपना वर्णन करते हैं कि ये दुनिया के लोग जितना भी निर्वचन करते हैं वो एक ओर धरे रह जाते हैं, और उन निर्वचनों का जो करता है भोगता है, जो उनको करता है उनका रस लेता है, और जो उनका ज्ञाता है जानकार है, जो उनका दृष्टा है, उस दृष्टा के असली स्वरूप का ज्ञान यदि हो जाए तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न रहे। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और 13वें अध्याय के इस प्रसंग में तो उसका इतना उत्तम निरूपण है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वही ज्ञान स्वरूप है, करण रूप ज्ञान नहीं, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान नहीं, जो बिना ज्ञाता रूप अभिमान के और बिना करण रूप साधन के और जो ज्ञेयता का विषय हुए बिना ज्ञान है, का वो शुद्ध अद्वितीय ज्ञान कौन, का परमात्मा, का जो जाना जाता है सो का वही है ज्ञातव्य है। कैसे ज्ञातव्य है, का ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान से ही अमानित्वादी जिसका वर्णन किया उसी से उसका ज्ञान होता है। और फिर तो कहीं दूर रहता होगा, बोले नहीं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में सर्वस्य हृदय, चींटी के हृदय में भी, खटमल के हृदय में भी, जुए के हृदय में भी, देवता दानव मानव सबके हृदय में, जहाँ स्मृति रहती है संस्कार रहते हैं। हृत शब्द का अर्थ होता है हरति, संस्कारानिति, जहाँ स्मृतियाँ इकट्ठी होती रहती हैं और जहाँ से संस्कारों के अनुसार विचार नाना रूप में प्रकट होते हैं, वहीं उस अपने आप में ही परमात्मा को ढूंढिए, वहीं वो विस्पष्ट रूप से स्थित है, साक्षात अपरोक्ष है। उसको देखने के लिए न इंद्रिय चाहिए, न मन चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न कोई स्थिति चाहिए, वो तो अपने आप है, अपना आप है। ये तो हम दूसरी वस्तुओं को पकड़ पकड़ के उससे वंचित हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा के स्वरूप का यहाँ निर्गुण रूप से भी वर्णन है, निर्गुणम गुणभोक्तृच, परमात्मा निर्गुण है और गुणों का उपलब्धा है, उसी को गुण मालूम पड़ते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम वही है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम वही है। तो ये परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जो गीता में है, उसको आप यदि शुद्ध अंतकरण वाले अमानित्वादी साधन संपन्न अधिकारी हैं तो साक्षात अपरोक्ष रूप में
उसको जान सकते हैं, और जज ज्ञात्वा अमृतमश्नोते, उसको जानने मात्र से कुछ करना नहीं। दूसरी चीज का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होने के बाद कुछ करने का होता है, माने उसको छोड़ो या उसको पाओ। लेकिन ये जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, इसमें ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते न कोई कर्म, न कोई उपासना, न कोई अभ्यास, अपने स्वरूप का बोध ही अमृत बना देता है। तो ज्ञान कुछ बनाता नहीं है, ज्ञान तो जो चीज जैसी होती है वैसा लिखाता है। अपना स्वरूप अमृत है, अमृतम अभयम ब्रह्म, उस अमृत पर जो पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान होते ही वो हट जाता है, और हम अपने को अमृत के रूप में अनुभव करते हैं। तमेवम विद्वान अमृत इह भवति, ऐसी श्रुति है। ओम शांति। यदि ज्ञान ज्ञे ज्ञान गम्य है तो ज्ञाता कौन है? जब करण के द्वारा, माने वृत्ति के द्वारा या इंद्रिय के द्वारा किसी वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान हो जाता है करण, और उसका जानने वाला अहम जो है वो ज्ञाता हो जाता है, और जो इदम होता है यह होता है उसको ज्ञेय कहते हैं। लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो है उसमें ज्ञाता तो एक शुद्ध वस्तु नहीं है, ज्ञान रूप करण और ज्ञेय रूप दृश्य का ज्ञाता है। परंतु जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद ही नहीं है, और जो ज्ञान करण स्वरूप नहीं है वो तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित साक्षात ब्रह्म ही है। आप इस बात पर ध्यान दें कि यदि ब्रह्म हमसे अलग रहेगा या होगा तो अचेतन होगा, क्योंकि उसको जानने वाला प्रकाशने वाला हम हैं, और यदि हम ब्रह्म से अलग होंगे तो कटे पिटे परिच्छिन्न होंगे। ब्रह्म से अलग होने पर मनुष्य कट पिट जाता है, आत्मा कट कटी पिटी मालूम पड़ती है, और आत्मा से भिन्न होने पर ब्रह्म जड़ हो जाएगा, क्योंकि हम निरिंद्रिय को जड़ नहीं कहते हैं, हम तो दृश्य को जड़ कहते हैं। जो जो वस्तु दृश्य होगी वो जड़ हो जाएगी, तो दृष्टा केवल चेतन होता है और दृश्य होता है जड़, और दृश्य में देश काल वस्तु तीनों होते हैं, और वो उस दृष्टा में भासते हैं जिसमें ये तीनों नहीं हैं। इसलिए अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थञ्चान्तिके च तत् अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ये परमात्मा के स्वरूप का जो गीता में निरूपण है, अधिकारी निरूपण के पश्चात ये ऐसा निरूपण है जैसे सब उपनिषदों का सार सर्वस्व यहाँ इकट्ठा करके रख दिया गया हो, और एक एक शब्द पर यदि विचार करें तो एक एक शब्द में परमात्मा के दर्शन कराने की शक्ति है। यदि उपासना करनी है तो परमात्मा साकार भी है, विश्व ही उसका आकार है, ये साकारता है। फिर सारे विश्व की आराधना नहीं कर पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते, तो उसके एक अवयव में परमात्मा बुद्धि करते हैं, मिट्टी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में,
मन में, इंद्रियों में भी और मन में, विज्ञान में, आनंद में परमात्मा की बुद्धि करते हैं। ये विराट के एक अवयव की उपासना है, एक अंग की, एक अंश में। जैसे पुत्र पिता का हाथ पकड़ के चले तो लोग कहते हैं ये पिता का हाथ पकड़ के चल रहा। इसी प्रकार एक व्यक्ति की उपासना की जाती है और वो संपूर्ण व्यक्तियों का जो आधारभूत परमात्मा है उसकी उपासना मानी जाती है। नारायण अब उसी के अवतार की भावना करके अवतारों की पूजा होती है, एक एक मूर्ति में पूजा होती है। बुद्धि भगवदाकार बनती है, निमित्त चाहे शिवलिंग हो, शालग्राम हो, राम मूर्ति हो, कृष्ण मूर्ति हो, शिव मूर्ति हो, मूर्तियां अलग अलग होती हैं, परंतु उनको निमित्त बना करके हमारी जो चित्तवृत्ति है वो भगवदाकार ईश्वराकार होती है। और आकारों को हटा देने पर जो निराकार है सो भी परमात्मा है। निराकार भी सगुण होता है, निर्गुण होता है। तो यदि सगुणता का भाव न हो, कुछ लेना न हो परमात्मा से, तो परमात्मा निर्गुण और मैं भी निर्गुण, तो निर्गुण और निर्गुण दोनों एक। परमात्मा कहता है कि हे जीव, तुम सगुण हो, मैं निर्गुण हूँ। जीव कहता है नहीं भगवान, मैं निर्गुण हूँ, आप ही सगुण हैं। दोनों में ये विवाद अनादिकाल से चल रहा है। जीव कहता है कि ईश्वर सारे अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण आप में है। परमात्मा कहता है नहीं नहीं, मैं तो निर्गुण हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है। ये तो तुम्हारा भाव है, सद्भाव है, भक्ति है कि तुमको मेरे अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं। तो जीवात्मा अपने को निर्गुण कहता है, परमात्मा को सगुण। परमात्मा अपने को निर्गुण कहता है, जीवात्मा को सगुण। असल में जो गुण का अभिमान अपने में करेगा वो गुणी हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। जब आत्मा भी गुण के अभिमान से मुक्त होता है और परमात्मा को गुण के अभिमान से मुक्त जानता है, तब निर्गुण निर्गुण, निर्विशेष निर्विशेष, निर्धर्मक निर्धर्मक एक हो जाते हैं। ये धर्म गुण विशेष यही अलग करने वाले होते हैं, वस्तु में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारी गीता में ही इस उपनिषद तत्व का निरूपण किया है। ये क्षेत्र आदि को जानकर ही प्रभु के भावों को प्राप्त करने के योग्य बन सकता है, तो ज्ञान भक्ति का अनिवार्य साधन ठहरता है। एक और कुछ आचार्य भक्ति को ज्ञान कर्मादि से निरपेक्ष बताते हैं, दूसरी ओर कुछ आचार्य भक्ति को ज्ञान का साधन बताते हैं। गीताकार को क्या अभीष्ट है? गीता में साधन के रूप में भी भक्ति का वर्णन है और बहुत अधिक है। जैसे माम च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी आराधना करता है वो संपूर्ण गुणों से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है और ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति योग को साधन बताया है। जहाँ अमानित्वादि साधनों का वर्णन है वहाँ भी मई चानन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान रूप ही होती है। ज्ञान तो ऐसा होता है जिसमें कभी बुराई का ज्ञान होगा तो उससे द्वेष होगा, बुरे आदमी से द्वेष हो जाएगा। अच्छे आदमी का ज्ञान होगा तो उससे प्रीति हो जाएगी। और यदि जो ना अच्छा है ना बुरा है, दोनों से निराला है, उसका ज्ञान होगा और अपनी ओर झांकेंगे तो कितनी अच्छाइयाँ आप तक आई और चली गई
और कितनी बुराइयां अब तक आई और चली गई, अच्छाइयां बुराइयां आती जाती रहती हैं और अपना आत्मा एक सरीखा रहता है तो परमात्मा से एकता का योग बन जाता है। यहाँ जिस प्रसंग में ये प्रश्न है वहाँ तो स्पष्ट ही है, बिना किसी लाव लपट के, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्ता अधिकारी एतद् विज्ञाय साधनम मद्भावायोपपद्यते इति फलम्। अधिकारी कौन है? भगवान का भक्त। जो भगवान का भक्त होता है उसी के सामने भगवान अपने को बेपरद करते हैं, निरावरण करते हैं, सब पर्दे हटा के फेंक देते हैं। तो जो अपना प्रेमी है, सेवक है, जो अपना प्यारा यार है और उसके सामने लोग निरावरण होने में कोई संकोच नहीं करते हैं, माँ अपने पुत्र के सामने दूध पिलाने के लिए अपने को निरावरण कर देती है, पति पत्नी निरावरण हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान का सच्चा प्यारा बने, परमात्मा से यारी हो जाए, तो वो अपने को छिपा के नहीं रखेगा। एतद् विज्ञाय, एतत् माने अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के ये जो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ है उसका विज्ञान, विज्ञान माने साक्षात अनुभव। ये विज्ञान शब्द भी उपनिषदों का ही है। विजानतः एकत्वमनुपश्यतः विजानतः विज्ञान। जहाँ परमात्मा का विज्ञान हुआ वहाँ मद्भावायोपपद्यते, परमात्मा की सत्ता से, प्रभाव सत्ता, परमात्मा से एक हो जाता है इसके ज्ञान मात्र से। क्योंकि श्रुति कहती है तदपश्यत तदभवत तदासीत। परमात्मा को देखा, परमात्मा ही हो गया, क्योंकि पहले से परमात्मा ही था। अब इस दृष्टि से देखें तो यहाँ भक्ति का, भक्ति को साधन के रूप में, भक्त को अधिकारी के रूप में, और परमात्म भाव जो है सत उसको फल के रूप में बताया हुआ है। अब भक्त और परमात्मा की अनुभूति दोनों के बीच में विज्ञान है। माने भक्त विज्ञान के द्वारा परमात्म भाव को प्राप्त करता है। एतद् विज्ञाय, विज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति एक ही है, क्योंकि ये एक साथ युगपत इसका प्रयोग है। जैसे उपविश्य भुंगते, बैठकर कोई खा रहा है तो जान करके भगवान का स्वरूप हो रहा है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। ज्ञानी लोग मेरे स्वरूप को जान करके भाव से युक्त होकर भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुना में ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी मेरी भक्ति करता है, ऐसा स्पष्ट है। और वहाँ बताया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितस्य युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। मैं ज्ञानी का ऐसा प्रिय हूँ कि मेरे और उसके बीच में कोई अर्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है, न कोई इच्छा है, न वासना है, न कोई मम है, न अहम है। अत्यर्थम अर्थम अतिक्रम्य इति अत्यर्थम, कोई भी अर्थ हमारे और उसके बीच में नहीं है। क्योंकि राजा होता है, उसका सेवक होता है, तो राजा चाहता है कि सेवक हमारी सेवा करे, सेवक चाहता है कि राजा हमारे ऊपर अनुग्रह करे, हमको कुछ दे। परंतु भक्त और भगवान के, ज्ञानी भक्त जो होता है, उस ज्ञानी भक्त और भगवान के बीच में कोई दूसरी चीज होती ही नहीं,
न भगवान को ज्ञानी से सेवा की अपेक्षा है और न तो ज्ञानी भक्त को भगवान से कुछ लेना है। ये लेना देना तो व्यापार है, इसी से प्रहलाद ने भागवत के सातवें स्कंध में कहा है, अहम त्वकामस्त्वद् भक्तः त्वंच स्वाम्यनपाश्रयः नेह कोप्यावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। जो कुछ चाहे के भजन करता है उसके लिए तो प्रहलाद ने कहा न स भृत्या सवई वणिक, वो तो सेवक नहीं है, वो तो वणिक है, व्यापारी है, जो कुछ चाह करके व्यापार करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति जो है वो ज्ञानी के जीवन में ही प्रकट होती है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि जैसे भक्त के जीवन, ज्ञानी भक्त के जीवन में किसी से द्वेष नहीं होता, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सबसे स्नेह का भाव होता है, श्रद्धा आदर और सेवा देती है, प्रेम रस देता है, स्नेह पुष्टि देता है, श्रद्धा बड़ों के प्रति होती है, प्रेम समान कक्षा में होता है और स्नेह छोटों के प्रति होता है। छोटों को पोषण मिलना चाहिए, पुष्टि मिलनी चाहिए। यहाँ ज्ञानी जो है तो भागवत में बताया ज्ञाने नासौ विभर्ति माम, ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा मेरा भरण पोषण करता है, विभर्ति माम। यदि ज्ञानी लोग न हो तो दुनिया में हमारी सत्ता को सुरक्षित रखने वाला दूसरा कोई रहे ही नहीं। फिर एक स्थान ऐसा आता है जहाँ ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। नारायण समः सर्वेषु भूतेषु, जिसके चित्त में विषमता है उसको पराभक्ति नहीं मिलती है। पराभक्ति तो उसको मिलती है जो ब्रह्मभूत है, निर्मल अंतःकरण वाला है और जिसके मन में शोक और आकांक्षा नहीं है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति राग द्वेष से विनिर्मुख जो सम है। असल में शोभा वही जीवन प्राप्त करता है जो जो सम होता है। स समाना मा शोभा यस्य असौ समः, समाना मा प्रमा मया प्रमया सहित समः, मया लक्ष्म्या सहित समः, मया शोभया सहित समः। जो सम होता है उसको भगवान की पराभक्ति माने जिससे परे और कोई भक्ति नहीं होती है वो भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ ये बात कही गई कि ब्रह्म ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ भी अंत में जो उपसंहार है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान जस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, यहाँ भी ये बताया कि ये जो पराभक्ति प्राप्त होती है इस भक्ति से परमात्मा का जितना बड़ा परमात्मा है और जो परमात्मा है उसका तत्वतः ज्ञान होता है और तत्वतः ज्ञान होने पर परमात्मा से एक हो जाता है। ये तत्व ज्ञान का, भक्ति से तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से भगवान की एकता। तो सारी गीता पर यदि हम दृष्टि डालें तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण तो किया और श्रवण करने से तुम्हारे मन में जो अज्ञान सम्मोह था वो नष्ट तो हो गया। माने भगवान अर्जुन के अज्ञान सम्मोह का नाश चाहते हैं, यदि अब तक न हुआ हो तो और भी कुछ प्रयत्न करके उपदेश करके अज्ञान सम्मोह का नाश करें। और अर्जुन ने तुरंत स्पष्ट रूप से कह दिया नष्टो मोह
स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारी कृपा, कृतज्ञ नहीं है अर्जुन, कृतज्ञता स्पष्ट है पर उसको मिला क्या, कमो का नाश हो गया और स्मृति की प्राप्ति हो गई। और करिष्ये वचनम तव, जो उसके धर्म पालन में विघ्न आया था, प्रतिबंध उपस्थित हो गया था, वो प्रतिबंध निवृत्त हो गया और जो प्रथम प्रवृत्ति थी उसकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसमें प्रवृत्त हो गया, उसी को करिष्ये वचनम तव कहा हुआ है। इसलिए गीता का यदि अनुसंधान करें तो उसमें सकाम धर्म का भी वर्णन है, निष्काम धर्म का भी वर्णन है, उसमें भगवत भक्त उपासना का, भगवत भक्ति का वर्णन है, उसमें योगाभ्यास का वर्णन है, उसमें तत्व ज्ञान का वर्णन है, उसमें आत्मा के अकर्तापन का बीसों जगह वर्णन है, उसमें जगत के मिथ्यात्व का अनेक स्थलों पर वर्णन है, उसमें परमात्मा की अद्वितीयता का अनेक स्थलों पर वर्णन है, और कहीं कहीं तो नैष्कर्म का ऐसा वर्णन है कि जल्दी मनुष्य के ध्यान में आ भी नहीं सकता, जैसे कुर्बन नपि न लिप्यते, ऐसा लगता है भगवान कह रहे हैं कि करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तो करना चाहिए, पर वो अपि शब्द ऐसा है जो कहता है किम पुनः अकुर्बन कुरु जदा कुर्बन नपि न लिप्यते तरहि किम पुनः अकुर्बन, जो जब करता हुआ भी लेप नहीं होता है तो यदि वो न करने वाला होगा और अपने स्वरूप में मग्न होगा तब तो कहना ही क्या है। इस प्रकार भगवान नैष्कर्म सिद्धिम परमाम सम्यासे नाधिगच्छते, यहाँ संन्यास का भी प्रतिपादन पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिए गीता को एक अंगी नहीं मानना चाहिए, ये तो कामधेनु है। इसमें से रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दोह लेते हैं, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, वल्लभाचार्य विशुद्धाद्वैत, कश्मीरी शैव स्वातंत्र, जोगी योग और अद्वैतियों को इसमें सर्वत्र अद्वैत ही भासता है। इसलिए गीता को एक पंथ की पुस्तक न मान करके ये तो संपूर्ण देश के लिए, एक संपूर्ण विश्व के लिए नारायण एक सिद्ध वस्तु का निरूपण करने वाला और मार्ग दर्शन कराने वाला, साध्य वस्तु का निरूपण करने वाला एक महान महान ग्रंथ है। इसको जो लोग एक पंथ का बना देते हैं तो वो पंथ में ही रह जाएंगे, वो मंजिले मकसूद पर, गंतव्य पर कभी पहुँचेंगे ही नहीं। पंथ में रहना किसी को अभीष्ट नहीं है, इसलिए संपूर्ण पंथों को पार करके जहाँ पहुँचना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखने लायक है, जहाँ से पंथ प्रारंभ होता है वहीं आकर पंथ का अंत होता है, ये नहीं कि पंथ प्रारंभ होगा कहीं और उसका अंत होगा कहीं। इसलिए जिस आत्मा के प्रकाश में पंथ प्रारंभ होता है सारे पंथों का अंत उसी में आकर होता है नारायण, और यही गीता का सार है। इसमें भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा, तो बोले भक्ति बड़ी। क्यों महाराज भक्ति कैसे बड़ी, बोले ज्ञान में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसलिए भक्ति बड़ी है। बोले महाराज आपके निरूपण में और भक्तों के निरूपण में क्या अंतर है, तो बोले अंतर ये है कि भक्त लोग भक्ति को ही सब कुछ मानते हैं और हम लोग भक्ति से भी बड़ा कुछ मानते हैं। तो वो क्या है कि भगवान जिसकी भक्ति की जाती है वे भगवान भक्ति से भी बड़े हैं, और वे भक्त अभक्त दोनों के हृदय में एक सरीखे रहते हैं। तो बाबा भक्ति और ज्ञान की लड़ाई
बहुत छोटे दर्जे पर है, वो तो जैसे प्रांत और राष्ट्र की लड़ाई है, बहुत छोटे दर्जे पर, जैसे जातीयता और मानवता की लड़ाई है, बहुत छोटे दर्जे पर। नारायण जैसे पंथ पंथ की, संप्रदाय संप्रदाय की, फिरका फिरके की फिरकेबाजी है, तो वो बहुत छोटे दर्जे पर है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार है उनके लिए तो संपूर्ण मानव, संपूर्ण पृथ्वी, तीनों लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, नारायण सब के सब परमात्मा के स्वरूप हैं। और गीता ये बताकर लोगों को धर्मनिष्ठ बनाती है, ये उसका आश्चर्य है। ओम शांति। प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दोनों में अंतर क्या है? प्रकृति पुरुष अनादि हैं ऐसा मानने से क्या द्वैतवाद की प्रतिष्ठा नहीं होती? गीता में किसी एक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन है या भिन्न भिन्न सिद्धांतों का समन्वय? विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। क्षेत्र और क्षेत्र में जो विकार होते हैं उनका सबका कारण प्रकृति है, और कारण रूप से वो अनादि है। और पुरुष जो है का ये दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से अनादि है। तो अनादिता में एक बात तो ये लोगों के ध्यान में नहीं आती है कि जो चीज अनादि होती है उसको वे अनंत भी मान बैठते हैं। गीता में प्रकृति अनंत है ये बात तो कहीं मिलेगी नहीं, प्रकृति अनादि है ये बात मिलेगी। तो अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है, और वास्तविक रूप से केवल प्रतिभास मात्र है। तो तत्वज्ञ की दृष्टि से प्रकृति आकाश की नीलिमा के समान अनादि होकर के भी, और जब तक हम आँख से देखेंगे तब तक दिखती रहने पर भी, वस्तुतः प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है। अब गीता में प्रकृति अनादि है और जीव भी अनादि है ये बात जो कही गई, इसके भाष्य में शंकर भगवान कहते हैं ईशितव्या भावे ईश्वरा भाव प्रसंग। यदि हम ऐसा मान लें कि कभी प्रकृति नहीं रहेगी या जीव नहीं रहेगा या प्रकृति जीव इस समय नहीं है, ऐसा यदि हम मान लें तो ईश्वर ईश्वर किसका होगा? यदि प्रकृति और ईश्वर पुरुष दोनों नहीं, दोनों होंगे तभी दोनों का मालिक ईश्वर होगा, इसलिए ये अनादि है। पर अंतर ये है कि ये सांख्य की प्रकृति के समान स्वतंत्र प्रकृति नहीं है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। असल में अव्यक्त और अव्यक्त से बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से पंच महाभूत, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये सब का सब क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ से होता है ये निरूपण करने के लिए यहाँ प्रकृति का प्रसंग आया। तो प्रकृति से ही पुरुष बन जाता है, ये चारवाक सिद्धांत है। और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, ये न्याय वैशेषिक ना, प्रकृति शब्द का प्रयोग तो न्याय वैशेषिक नहीं करते हैं, परमाणु आदि का करते हैं। और पुरुष जो है चेतन, वो द्रव्यों में से एक है, वो भी एक पदार्थ है, ऐसा न्याय वैशेषिक कहते हैं। और प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हैं, ये नारायण सांख्य और योग कहते हैं। सांख्य सिद्धांत का निरूपण करता है और योग उसको प्रैक्टिकल व्यावहारिक आभ्यासिक बना देता है, अभ्यास के द्वारा साक्षात्कार हो जाता है। वेदांत जो है वो
न तो परमाणुओं के समान अनेकता, जीवों के समान एकता, और न तो प्रकृति की स्वतंत्रता, और न तो पुरुष की अनेकता। इन बातों को वो न स्वीकार करके एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का निरूपण करता है। तो तत्व निरूपण की शैली ही ये है कि अनेकता से एकता का हम साक्षात्कार करें। तो यहाँ यदि अनेक तत्व जो सृष्टि में दिख रहे हैं उनको दो विभाग में बांट दिया गया, तो इससे कोई अद्वैत का विरोध नहीं हुआ, बल्कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को अलग अलग समझाने के लिए और विवेक करने के लिए कि पहले बाबा जो बहुत मानते हो उनको दो में तो कर लो। सारी सृष्टि की दो राशि हो गई, एक चैतन्य राशि और एक जड़ राशि। जड़ राशि में कारण कार्य भाव होता है, इसलिए वो प्रकृति राशि है, और नारायण चेतन राशि में कार्य कारण का विभाग नहीं होता, वहाँ विकार नहीं होते, इसलिए निर्विकार चेतन का विभाग में पुरुष को डाल दिया। इस प्रकार ये विवेक की एक पद्धति है, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति में ही गुणों का भेद मालूम पड़ता है और प्रकृति में ही गुण मालूम पड़ते हैं। और फिर आगे इसका विस्तार भी है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जीव कौन है? जो सुख दुख का भोक्ता है। और प्रकृति कौन है? जिससे ये कार्य कारण क्षेत्र रूप बनता है। पर भोक्ता का अर्थ भी ज्ञान ज्ञाता ही होता है, ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए। जीभ पर आप डालिए खट्टा तो मालूम पड़ेगा खट्टा। उससे यदि आपकी वासना आ सकती है तो अच्छा लगेगा, और यदि खट्टे में आपकी रुचि नहीं है तो थूक देंगे। नारायण, स्वाद आता है वासना के अनुरूप, और ज्ञान होता है वो वस्तुतः भोग वही है, सुख दुख का भोग वही है। ऐसे ही नाक में सुगंध दुर्गंध, नाक में कुरूप सुरूप, और जीभ में स्वाद बेस्वाद, त्वचा में कठोर कोमल, ये सब जो हैं ये भोग माने उपलब्धित्व ज्ञातृत्व, जानना। केवल जानना ही भोग है, ज्ञान ही भोग है, ज्ञान के अतिरिक्त भोग नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान ना हो कोई भोग बता दे, और बिना ज्ञान के भोग तो नारायण। ये जो पुरुष है इसी को संपूर्ण भोगों का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञातृत्व में हेतु है ये पुरुष। ये दो विभाग में सारी विश्व सृष्टि को ला करके रख देना ये वक्ता की निपुणता है। और एवं जो व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैस्सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, ऐसे करके इस ज्ञान का फल बताया, और अंत में इसी पुरुष को परमात्मा का स्वरूप बता दिया। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् परमेश्वरः। इसी देह में परमेश्वर रहता है बाबू, परमेश्वर कहीं दूसरे लोक में नहीं, दूसरे स्थान में नहीं, दूसरे काल में नहीं, अस्मिन् देहे, यही जो तुम्हारा शरीर है इसमें बैठा हुआ है परमात्मा, उसी का नाम, उसी को कहते हैं परमात्मा, और उसी का नाम है परमेश्वर, उसी का नाम है परमात्मा। और गीता में उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता अभी भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, नारायण गुण भोक्तृच अभी अभी कहा गया है उसको, तो वो परमात्मा ही है। सच पूछो तो जिससे ये दृश्य ज्ञात होते हैं, ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये कान है, ये त्वचा है, ये आँख है, ये जीभ है, ये नाक है, ये जिसको मालूम पड़ रहे हैं वो इनसे अलग रहकर साक्षात परमात्मा के साथ मिला हुआ है,
और न सब हुए भी जाए थे, उसके पुनर्जन्म का तो कोई कारण ही नहीं है। इसलिए नारायण इस परमात्मा को जान लेना संपूर्ण बंधनों से, दुखों से, शोकों से, मोहों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। न सब हुयो भी जायते का अर्थ है हम दिन भर में 10 बार जन्म लेते रहते हैं और 10 बार मरते रहते हैं। जब हम अपने को पापी मानते हैं तो पापी का जन्म हो गया, जब हम अपने को पुण्यात्मा मानते हैं तो पुण्यात्मा का जन्म हो गया, जब हम अपने को दुखी मानते हैं तो दुखी का जन्म हो गया, जब हम सुखी मानते हैं अपने को तो सुखी का जन्म हो गया। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया वो दिन भर में हजारों रूप में जन्म लेना और मरना, ये जो वृत्तियों की अनेकता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इससे वो सर्वथा मुक्त हो जाता है। न जन्मता है न मरता है, उसका जीवन तो एक रस है। एक रस जीवन व्यतीत करने के लिए जिसमें आनंद ही आनंद हो, ऐसा जीवन इस तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। और कुछ कहना हो तो कह लो, तो हाँ पूछ लो। हमारे तो का हेतु यदि प्रकृति है तो सुख दुख का भोक्तृत्व भी उसी का होना चाहिए, जो करता है वही भोगता होगा। फिर पुरुष को सुख दुखों के भोक्तृत्व का हेतु क्यों कहा गया? क्या यहाँ हेतु के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व के अतिरिक्त कुछ संकेतित है? ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद जोनि जन्मसु, यही अनुपद ही ये श्लोक है कि जब हम देह में स्थित हो जाते हैं, देह को मैं मेरा मान लेते हैं, तो देह में जो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, गोरापन है, कालापन है, उसके गुणों का भोग करने लगते हैं। प्रकृतिस्थ होने पर अर्थात प्रकृति और प्रकृति के कार्य में तादात्म्य होने पर, एकत्व होने पर, अध्यास हो जाने पर, इसको अपने में आरोपित कर लेने पर हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। यदि प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य न हो तो ज एनम वेत्ति हंतारम जश्च इनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी, तो ये तो अज्ञान है। और वेदा विनाशिनम नित्यम ज एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। तो सुख दुख की धारा भी प्रकृति में ही है, उस प्रकृति में कारणं गुणसंगोस्य, ये प्रकृति के गुणों में जो संग है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी के कारण सद सद जोनियों में जन्म होता है। सुख दुख सद सद जोनियों में जन्म, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मरण की अनुभूति, ये सब एक दूसरे को अपना स्वरूप मान लेने के कारण ही होता है। इसका हेतु तादात्म्य है। और असल में वेदांत की दृष्टि से तो प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं होती है। एक श्रुति तो कहती है मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वरम, प्रकृति और माया दोनों का एक ही अर्थ है। दूसरी श्रुति कहती है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रतिज्ञा और दृष्टांत के बल से एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, इसलिए प्रकृति भी स्वतंत्र सत्ता वाली कोई वस्तु नहीं है। परंतु जब तक पुरुष में और प्रकृति में भेद है तब तक पुरुष अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति से एक हो गया, तो प्रकृति के कर्म को अपना कर्म मानने लगा और प्रकृति के भोग को अपना भोग मानने लगा। लेकिन कर्तापन जो है, कर्तृत्व जो है, वो कर्मेंद्रियों की प्रधानता से है जो कि अंधी है, और भोग जो है वो ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से है जो कि उनमें जिनमें ज्ञान ज्ञान की प्रधानता रहती है। इसलिए पुरुष के अत्यधिक निकट होने के कारण ज्ञानेंद्रियों से होने वाला जो भोग है उसका पुरुष में आरोप कर दिया, और कर्मेंद्रियाँ जो है वो पुरुष से थोड़ी दूर पड़ती हैं, इसलिए उनका सर्वथा समारोप प्रकृति में कर दिया।
और इसको देखने के लिए अमानित्वादी साधन संपत्ति हो तो सबसे बढ़िया, और नारायण उससे तो अद्वैत तत्व का ही अनुभव हो जाएगा, परंतु वो न हो तो उसके लिए और भी साधन हैं, अब उनकी चर्चा करेंगे। अब साधनों की चर्चा आती है तो वो सरल हो जाएगा, तो परमात्मा की चर्चा तो थोड़ी सर्वसाधारण से अलग होती है। सायंकाल सायंकाल नहीं है तो अभी तो अच्छा शारदा है। ओ महादेव, हमको तो भाई सब एक सरीखे ही देखते हैं साबू जी है। हाँ।